कमर स्कार्फ कम मास्क लेके आई हूँ जो बहुत ही कंफर्टेबल है और आप लॉन्ग टाइम पहन भी सकते हैं इसको इजीली। इस स्कार्फ को बनाने के लिए आपका कम से कम 1 मीटर फैब्रिक लगेगा। तो सबसे पहले आप 40 इंचेस बाय 30 इंचेस का एक फैब्रिक निकाल लीजिए और उसको 4 फोल्ड करके उसका सेंटर मार्क कर लीजिए। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। सेंटर वाले मार्क से आप ऊपर से 15 इंचेस नीचे जाएंगे और वहाँ पे एक मार्क लगाएंगे। उस मार्क वाले पॉइंट से आपको 3 इंचेस लेफ्ट साइड और 3 इंचेस राइट साइड मार्क करना है, मतलब टोटल 6 इंचेस, और 6x1 इंचेस का एक रेक्टेंगल क्रिएट करना है। अब हम इस फैब्रिक को सिंगल कर देते हैं और जो हमने इसमें रेक्टेंगल ड्रॉ किया है उस रेक्टेंगल को हम काट देंगे। ये रेक्टेंगल हमारा आइस पैक्स बनेंगे। और अब हम दूसरा फैब्रिक ले लेते हैं। दूसरा फैब्रिक हमारा कटेगा 15x15 इंचेस का। इस फैब्रिक को भी हम उसी तरह रेक्टेंगल क्रिएट करेंगे इस फैब्रिक में भी, लेकिन इस बार हमारे चेंजेस रहेंगे कि हम ऊपर से इसमें सिर्फ 5 इंचेस का मार्क लगाएंगे और रेक्टेंगल हमारा वही 6x1 इंचेस का ही बनेगा और उस रेक्टेंगल को भी हम काट देंगे। अब हम आ जाते हैं अपने थर्ड स्टेप पे। अब हमारे 2 पीसेस कटेंगे 15x3 इंचेस के। इनको हम फोल्ड कर देंगे, ये देखिए कुछ इस तरह, और एक स्टिच लगा देंगे। स्टिच लगाने के बाद हम इसकी स्टिच को सेंटर में रख देंगे और एक एंड को भी स्टिच कर देंगे। तो ये देखिए मैंने इसको स्टिच कर दिया है और इसका एक एंड में भी स्टिच कर दिया है। और अब हम इनको सीधा करेंगे। सीधा करने के लिए हम एक पेन ले लेते हैं और पेन की टिप को इनकी सिलाई के बीच में रख के इसको हम पलट देंगे। ये देखिए कितना ईजी है इसको पलटना। ऐसे ही हम दूसरा भी पलट लेंगे। मेरी जो नेक्स्ट वीडियो आने वाली है वो वीडियो मेरे बच्चों के मास्क के ऊपर है। मैं आपको उसमें बच्चों के मास्क बनाना सिखाऊंगी जो कैप से अटैच होंगे। तो फटाफट से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जैसे कि मेरी जैसे ही वो वीडियो आए तो आप लोगों के पास सबसे पहले पहुंच जाए। अब हम सारे पीसेस को असेंबल करेंगे। तो सबसे पहले सबसे बड़ा वाला पीस हम सबसे नीचे रखेंगे। उसके बाद जो हमने स्ट्रैप्स बनाई थी उसको हम दोनों कॉर्नर्स पे रख देंगे, उसके स्टिचेस को नीचे की तरफ रख के, और लास्ट पीस को इसके ऊपर रख देंगे फेसिंग द राइट साइड डाउनवर्ड्स। ये देखिए कुछ इस तरह। और अब हम इस रेक्टेंगल के पीस को स्टिच कर देंगे। तो ये इसको मैंने स्टिच कर दिया है, आप देख सकते हैं। स्टिच करने के बाद अब हम इसके कॉर्नर्स पे नॉचेस लगाएंगे, मतलब इसमें कट लगाएंगे जिससे हमारे कॉर्नर्स नीटली बन जाएं। ये देखिए नॉचेस लगाने के बाद जब मैंने कपड़े को पलटा तो इसके कॉर्नर्स में आप फिनिशिंग देखिएगा, इसके पॉइंट्स बिल्कुल क्लियर आएंगे। ये देखिए कितने क्लियर और फिनिश्ड कॉर्नर्स आए हैं इसके। अब हम इसके चारों तरफ फोल्डिंग करके इस पर टॉप सीम दे देंगे जिससे ये भी हमारा फिनिश हो जाए फैब्रिक। लेकिन हमें ध्यान रखना है कि हमारी इसकी बीच में बेल्ट ना आ जाए, इसलिए बेल्ट को आप पहले ही बीच में ले लीजिए, उसके बाद इसमें फोल्डिंग कीजिएगा। और कॉर्नर्स के लिए अगर आप इसके कॉर्नर्स राउंडेड रखना चाहते हैं तो आप इसकी शेप को राउंड कर लीजिए, और इसको आप रेक्टेंगल में रखना चाहते हैं तो इसको आप रेक्टेंगल भी रख सकते हैं, ये आपके ऊपर है। और राउंडेड करने के लिए आप पहले इसको फिर से फोल्ड कर दीजिए और इसकी शेप दे दीजिए राउंडेड, और उसके बाद आप इसमें स्टिच लगा लीजिए। तो आप देख सकते हैं कि मैंने इसको स्टिच कर दिया है। ये देखिए इसकी टॉप सीम भी दे दी है इस पर प्रॉपर। ये राउंडेड शेप में है और ये मेरा रेक्टेंगल शेप में है। तो ये आपकी मर्ज़ी है, आप इसको कैसे भी बना सकते हैं। और जो बेल्ट है तो बेल्ट में भी हम कुछ चेंजेस कर सकते हैं। आप चाहें तो इसमें वेलक्रो भी यूज़ कर सकते हैं। आप इसके दोनों तरफ वेलक्रो लगा दीजिए और इसको इजीली टाई अप कर सकते हैं, या फिर आप इजीली इसमें नॉट भी लगा सकते हैं। ये आपकी मर्ज़ी है, आप जैसे भी कंफर्टेबल हों। सो आवर समर स्कार्फ का मास्क इज़ रेडी टू वेयर। स्टे होम, स्टे सेफ, ईट हेल्दी, बी सेफ।
थैंक यू।